मौका मिल रहा है सरकार बनाने का, वो अलग बात है। और इसमें माननीय नीतीश कुमार जी का अहम रोल है। माननीय नीतीश कुमार से बिहार की जनता ये उम्मीद कर रही है कि अगर उनकी महत्वपूर्ण भूमिका इस सरकार में है तो इस सरकार में ये नीतियाँ जो गलत नीति है अग्निवीर योजना का, इसको पलटने का काम करें। बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलनी चाहिए, अग्निवीर योजना समाप्त होनी चाहिए और जातीय गणना पूरे देश के अंदर होनी चाहिए। और ये माननीय नीतीश कुमार जी का जदयू का पुराना मांग रहा है, तो इस मांग को पूरा करने के लिए जो भी तरीका आप वो अपनाएं उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन ये मिलना चाहिए और इसके बगैर कोई समझौता नहीं करना चाहिए। माननीय नीतीश कुमार जी अपने अपने राज्यों में या देश की सरकार से जो लगातार मांग करते रहे हैं, या चंद्रबाबू नायडू को जो तबाह और बदनाम किया गया है, मुझे लगता है कि ये सरकार 5 साल तो नहीं पूरा कर पाएगी। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चंद्रबाबू को लेकर के काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही थी। केसी त्यागी जो कि जेडीयू का कद्दावर नेता है, उनकी तरफ से एक बयान आता है कि इंडिया अलायंस गठबंधन की तरफ से उन्हें कॉल आ रहा है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, और वही इंडियन अलायंस गठबंधन जो पहले उनको संयोजक बनाने को तैयार नहीं थे, आज प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दे रहे हैं। जी, तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाकपा माले से विधायक रामबलि सिंह, हम बातचीत करेंगे। है क्या केसी त्यागी कह रहे हैं कि आप लोग कॉल कर रहे हैं, प्रधानमंत्री पद का ऑफर दे रहे हैं अभी? अभी इस विषय में तो हमें कोई जानकारी नहीं है, जिसकी जानकारी नहीं है उस पर हम क्या बात करें। और अभी एक देख रहे थे कांग्रेस का भी बयान, तो उनके भी नेताओं को कोई जानकारी नहीं है, तो अब किन्होंने ऑफर दिया, क्या किया, ये अलग सवाल है। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि पूरे देश का जो जनादेश है वो भाजपा और मोदी के खिलाफ है। भाजपा बच गई और मौका मिल रहा है सरकार बनाने का, वो अलग बात है। और इसमें माननीय नीतीश कुमार जी का अहम रोल है, तो माननीय नीतीश कुमार जी को हम कहना चाहेंगे कि उनका जो लगातार पुराना मांग रहा है विशेष राज का दर्जा, पुराना मांग रहा है उनको कि जातीय गणना जिस तरह से बिहार में हुआ पूरे देश में कराया जाए, और इसके साथ साथ अग्निवीर योजना को समाप्त करने का भी मांग उनको रहा है। माननीय नीतीश कुमार से बिहार की जनता ये उम्मीद कर रही है कि अगर उनकी महत्वपूर्ण भूमिका इस सरकार में है तो इस सरकार में ये नीतियाँ जो गलत नीति है अग्निवीर योजना का, इसको पलटने का काम करें। क्या लग रहा है केसी त्यागी जिस प्रकार से कह रहे हैं कि ऑफर आ रहा है प्रधानमंत्री पद का, और दूसरी तरफ विशेष राज्य की दर्जा की भी लगातार मांग कर रहे हैं जेडीयू वाले तमाम जो नेता हैं, वो भी चर्चा कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि प्रेशर पॉलिटिक्स से बीजेपी पे प्रेशर बना रहे हैं कि हमको या तो विशेष राज्य का दर्जा दिलवाइए या नहीं तो हम मेरी रास्ता अभी भी खुला हुआ है? देखिए, कोई बात कहने का उद्देश्य उनका चाहे जो भी हो, लेकिन हम कह रहे हैं बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलनी चाहिए, अग्निवीर योजना समाप्त होनी चाहिए और जातीय गणना पूरे देश के अंदर होनी चाहिए। और ये माननीय नीतीश कुमार जी का जदयू का पुराना मांग रहा है, तो इस मांग को पूरा करने के लिए जो भी तरीका आप वो अपनाएं उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन ये मिलना चाहिए और इसके बगैर कोई समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के एक सम्मानित नेता हैं, तो बिहार उनसे उम्मीद कर रही है। पप्पू यादव एक बयान जो दिए हैं काफ़ी चर्चा में है उसका बयान, उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी यादव के अंदर घमंड नहीं होता तो इंडिया अलायंस गठबंधन 25 सीटें और जीतती बिहार। इस पर देखिए हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। ये जरूर बात है कि इस गठबंधन में बिहार में भाकपा माले को 3 सीटें मिली थी, 2 सीटें हम लोग जीते, और इसके साथ साथ ये तीनों सीट हम लोगों को 7वें चरण में मिला। और इसलिए इंडिया गठबंधन में जो ठीक ठाक प्रदर्शन हुआ वो 7वें चरण में और खास करके दक्षिण बिहार में ये हुआ, तो निश्चित रूप से जितना उम्मीद था हम लोगों को वो नहीं आ पाया।
और इसकी समीक्षा निश्चित रूप से पूरे इंडिया गठबंधन को करनी चाहिए। और यादव के साथ रहने से फायदा होता है, देखिए वो तो सीमांचल क्षेत्र में आप निश्चित रूप से जो समीक्षा जब होगी तो बातें उभर कर सामने आएगी। और कोई व्यक्ति देखिए माने नहीं है, उसकी और गंभीर समीक्षा होगी तो नतीजे निकलेंगे, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि कहीं ना कहीं उत्तर बिहार में चूक तो कुछ हुई है। अब वो चूक किस तरह का है, कितना है, इसकी समीक्षा किए बगैर इसको निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा जा सकता है। व्यक्ति कोई बोलता है वो अपने हिसाब से बोलते हैं, वो जो व्यक्ति बोल रहे हैं उनकी अपनी समीक्षा हो सकती है, लेकिन जब समीक्षा होगी तो और बातें उभर कर आएगी। चूंकि हम लोगों ने भी इंडिया गठबंधन में आग्रह किया था कि तीन सीट तो जरूर आप दे रहे हैं, तीनों के तीनों सीट आप दक्षिण बिहार में दे रहे हैं, अगर उत्तर बिहार में एकाध सीट भी आप दे दें तो परिणाम बेहतर होने की पूरी गारंटी है। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, जितना मिला उसी पर हम लोग लड़े। तो मैं समझता हूं कि अगर भाकपा माले जैसी पार्टी को एकाध सीट भी अगर उत्तर बिहार में मिल गया होता तो उत्तर बिहार के जो भाकपा माले के कार्यकर्ता हैं तो उनके अंदर और थोड़ा जोश खरोश बढ़ता और सीटें जीती जा सकती थी। प्रधानमंत्री मोदी 3.0 की शुरुआत कर रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं इस बार? और क्योंकि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी लगातार कह रहे हैं कि 18वीं लोकसभा में भी हम उसी रफ्तार से काम करेंगे जो 17वीं लोकसभा में कर रहे थे। नहीं नहीं, उनका जो रफ्तार नकारात्मक था, जिस तरह से सांप्रदायिकता, जिस तरह से तबाह कर दिया गया था नोटबंदी करके GST के माध्यम से, अभी भी तबाह लोग हैं, जीत जाए सरकार बन जाए वो अलग बात है। कोरोना में जिस तरह से तबाही मचाया गया, जिस तरह से रिपोर्टें आ रही है कि कोरोना का जो टीका है वो टीका लगवाने के लिए जोर जबरदस्ती किया गया, कहा गया कि होटल नहीं मिलेगा, टिकट नहीं मिलेगा रेल का, राशन नहीं मिलेगा गरीबों को, और आज रिपोर्टें आ रही है कि उससे कई तरह की बीमारियां बढ़ रही है, लोगों की मौतें हो रही हैं। तो हम मोदी जी को कहेंगे कि आपको ये जनादेश इस तरह के नकारात्मक रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए मिला है, भूल से भी ऐसा मत कीजिएगा जो पहले आप करते रहे हैं। हम तो यही कहेंगे मोदी जी। एक आखिरी सवाल रहेगा, भारतीय जनता पार्टी को तो पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, NDA मिली जुली सरकार बन रही है, NDA को बहुमत मिला है, क्या लग रहा है ये सरकार कितनी दिन तक चलेगी, आपका अनुमान कुछ? देखिए हम तो कोई भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से ये कहेंगे कि देश की आवाम जो तबाह थी उससे थोड़ा राहत मिलेगा, और हम समझते हैं कि ये सरकार राहत के साथ कितना दिन तक चलेगी हम भी इसको ठीक ठीक नहीं कह सकते हैं। क्योंकि जिस तरह के चंद्रबाबू नायडू, माननीय नीतीश कुमार जी अपने अपने राज्यों में या देश की सरकार से जो लगातार मांग करते रहे हैं, या चंद्रबाबू नायडू को जो तबाह और बदनाम किया गया है, मुझे लगता है कि ये सरकार 5 साल तो नहीं पूरा कर पाएगी, मुझे तो यही लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि साफ तौर पे रामबली सिंह ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जा दे। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को चाहिए कि जो शुरुआत से वो लोग मांग करते रहे विशेष राज्य दर्जा का, अभी भी ये वक्त है, मांग करें। और उन्होंने कहा कि ये सरकार जो है 5 साल तक हमें लग रहा है कि नहीं चल पाएगा। और भी कई तरह की बातें करते नजर आते हैं, आप भी सुन रहे थे क्या कुछ करते, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।